यार यहाँ पे एक बहुत ही गलत चीज हुई है। मैंने देखा है काफी हैंडलर्स हैं जिन्होंने शेयर किया है, जैद हरी। जैद हरी जो ओटीटी सीजन में कंटेस्टेंट थे, उन्होंने खानजादी के लिए एक स्टोरी लगाई है। अब इन लोगों की पीआर टीम शायद एक ही थी, जिसमें खानजादी ने अपनी पीआर जो है वो चेंज करने की कोशिश की। वो दूसरी तरफ जा रही थी बिकॉज उनको लगा कि भाई जब मैं बिग बॉस में थी तो मेरी पीआर ने अच्छे से काम नहीं किया। उसके बाद जैद हरी ने खानजादी के ऊपर बहुत बड़े बड़े एलिगेशन लगाए हैं, बहुत ही खराब बातें की, जो किसी भी लड़की के लिए करना बहुत ही गलत है। अब खानजादी यार देखो, हमें पता है कि खानजादी जो है वो स्ट्रगलर है, वो स्ट्रगल कर रही है। बहुत ही दमदार बनती थी, अपने लिए स्टैंड लेने वाली बनती थी, डिग्निटी से इस शो से निकली। इस शो में उसने किसी को भी डिसरिस्पेक्ट नहीं किया। इट्स जस्ट कि उसके ऊपर बार बार ये बोला जा रहा था कि उसकी मेडिकल हेल्थ का मामला झूठा है और वो ये ट्रॉमा से गुजर चुकी है, तो वो ये झूठ नहीं बर्दाश्त कर पाई थी कि भाई मुझ पर झूठा एलिगेशन ना लगाया जाए। इस वजह से वो खेलने की होप छोड़ चुकी थी और वो इस शो में पार्टिसिपेट नहीं कर रही थी। लेकिन उस चीज को बहुत ही गलत तरीके से पोर्ट्रे किया जा रहा है। बाहर जैद हरी ने जिस तरह की बातें खानजादी के लिए की है, उनकी स्टोरी अब वो डिलीट हो चुकी है, लेकिन काफी हैंडलर्स ने उसको शेयर किया है। अब यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट लगा देती हूँ, आई डोंट वांट टू रीड इट। भाई इतनी गलत और खराब बातें एक लड़की के लिए करने वाला बंदा। इस पे जो खानजादी है ना, वो एक्चुअली जैद हरीब के ऊपर जो है ना वो डिफेमेशन का केस कर सकती है। क्योंकि देखो, आप किसी भी पर्सनैलिटी को, नोन पर्सनैलिटी किसी को भी जो है ना पब्लिक फोरम पे आप जो है ना वो ह्यूमिलेट करोगे और उसके ऊपर एलिगेशन लगाओगे, उसके ऊपर उसकी करेक्टर असैसिनेशन करोगे, उससे एसोसिएट करके गलत बातें करोगे, तो सामने वाला बंदा आपके ऊपर डिफेमेशन का केस कर सकता है। मोर पावर टू यू खानजादी। आई रियली होप कि आप इन चीजों से निकल के आगे बढ़े एंड आई विश यू अ सक्सेसफुल करियर इन योर लाइफ। थैंक यू सो मच। बाय।